नमस्कार, खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। सबसे पहले पेश हैं मुख्य समाचार। योग ऋषि रामदेव बने योग और आयुर्वेद के हरियाणा ब्रांड एम्बेसडर। सभी विभागों में की जाएगी योग्यता के आधार पर रेगुलर भर्तियां, कहा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। और अब समाचार विस्तार से। योग ऋषि रामदेव को हरियाणा में योग और आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसके लिए सोनीपत के एक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। अभिनंदन समारोह में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमारी परंपरागत प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति के माध्यम से योग व आयुर्वेद को बढ़ावा देकर आसानी से स्वस्थ हरियाणा का लक्ष्य हासिल कर सकते हैं, क्योंकि भारत को इसके चलते पूर्व में विश्व गुरु दर्जा हासिल था। आज देश प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में अपने विश्व गुरु के दर्जे को पुनः हासिल करने की ओर अग्रसर है। हमने अपनी ओर से, सरकार की ओर से जितना अधिकतम सम्मान देने की बात हम निर्णय कर सकते हमने किया। आज के बाबा जी के इस आग्रह के कारण से हमारे मन में ऋषि परंपरा, सन्यासी परंपरा, इसके प्रति सम्मान की और वृद्धि हुई है। मैं मानता हूं कि राज का कारण इससे हमारा जो सन्यास आश्रम, हमारी जो ऋषि परंपरा, ये उससे ऊपर होती है। और मैं कई बार कह चुका हूं कि हम कोई भी गलती कर सकते हैं, हमारी गलतियों को ठीक करने का काम वास्तव में यदि कोई कर सकता है तो ये सन्यास परंपरा में रहने वाले लोग, ये ऋषि परंपरा में रहने वाले लोग कर सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऐलान किया है कि अगले 6 महीने में प्रदेश में पुलिस सहित सभी विभागों में योग्यता के आधार पर रेगुलर भर्तियां की जाएंगी। उन्होंने कहा कि छोटा प्रदेश होने के कारण हरियाणा में विकास की अपार संभावनाएं हैं और आने वाले समय में यहां विकास को इतनी अधिक गति मिलेगी जिसकी कल्पना भी प्रदेश के लोगों ने नहीं की होगी। मुख्यमंत्री समालखा के गाँव डिक्का डाला में आचार्य कुलम के शिलान्यास समारोह में उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। कर्मचारी आज हमारे प्रदेश में 80-90 हजार कर्मचारी ऐसे हैं जो बिल्कुल जिनकी गर्दन पर तलवार है, मालूम नहीं कब हमारी नौकरी चली जाए। ऐसे सबकी रेगुलर भर्ती करना, योग्यता के आधार पर करना, चाहे पुलिस की भर्ती है, चाहे और सरकारी भर्तियां हैं, सब भर्तियों के अगले 6 महीने के अंदर अमली जमा बढ़ाया जाएगा। और वो सब काम जो आज तक नहीं हुए, उद्योगों को एक वातावरण तैयार करना ताकि दुनिया के लोग, इस देश के लोग और हरियाणा भर के ऐसे लोग जो बाहर तो चले गए, अपने यहाँ उद्योग को स्थापित करना चाहते हैं, उनके लिए सुलभ अवसर पैदा करना ताकि हरियाणा में उद्योग लगाएं, रोजगार की हर व्यक्ति की चिंता करना, ये सब हम करेंगे। खबर हरियाणा में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर हाजिर होंगे ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।